अक्सर हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि इंदौर या ग्वालियर के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट्स के मामले होते हैं, या फिर 10 याचिका करता है जिनमें 2 इंदौर या ग्वालियर के ज्यूरिसडिक्शन के, बाकी 8 जबलपुर के ज्यूरिसडिक्शन के जिलों में आते हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस ऑब्जेक्शन आता है ऑन द पॉइंट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। फाइनली केस डिफॉल्ट में लगता है, आवाज जज साहब के सामने अब आप बहस करते हैं, कुसुम इनगट्स, नवल किशोर शर्मा, तमाम रूलिंग्स लेके आप बहस करते हैं, जीतो या ना जीतो दोनों संभावनाएं रहती हैं। उस दिन जस्टिस और आलूवालिया जी के सामने भी मेरा इसी प्रकार का एक प्रकरण लगा, तो न्यायमूर्ति ने ही सजेस्ट किया कि आपके पास चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे एक आवेदन देने का ऑप्शन भी उपलब्ध है। मैंने एप्लीकेशन दिया, 2-3 दिन बाद मेरा केस डिफॉल्ट फ्री होकर अदालत में लग गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना और न्यायालय का कीमती समय नष्ट ना करें, एकेडमिक एक्सरसाइज अपन बाद में कर लेंगे। अगर आपका केस अच्छा है तो चीफ जस्टिस रवि मालीमजी 2-3 दिन में आपके परमिशन आपको दे देते हैं। तो रेलेवेंट रूल का अपन निरीक्षण करते हैं, हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश रूल्स 2008 चैप्टर 3, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सीट एंड द बेंचेस। रूल 2 इज रेलेवेंट हियर, अ रिट पिटीशन पर्टेनिंग टू द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंदौर और ग्वालियर मे बी फाइल्ड इन द प्रिंसिपल सीट एट जबलपुर ओनली विद द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस। एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड filed by the petitioner shall be placed before the chief justice on the administrative side। तो कोई भी जायज कारण हो सकता है प्रिंसिपल सीट में पिटीशन प्रस्तुत करने का। इश्यू कॉमन है, इम्प्यूट ऑर्डर भोपाल से हुआ है, प्रिंसिपल सीट पहले से ही इस प्रकरण के लीगल पॉइंट को किसी अन्य प्रकरण में विचार कर रही है। द प्रिंसिपल सीट इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द इश्यू विच योर पिटीशन इज रेजिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। So, my dear friends, have a good practice.